हस्बैंड मेरे को पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस दिन की मेरी एयरपोर्ट आई ना, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जब से तुम्हारी ट्यूब जो है एक साइड की वो आई है इन्फेक्शन, उनको क्या मालूम इन्फेक्शन है। तो तुम गए क्यों डॉक्टर के पास? मैं जी तो ये नहीं समझ आता है, तुम्हारे हस्बैंड जब दुबई रहते हैं, अभी आए, तुमने प्रेगनेंसी करनी है, तो इसमें डॉक्टर के पास जाने का कहाँ से टॉपिक आ गया कि हमें प्रेगनेंसी करनी है तो दिखाए आए पहले? कब कितने दिन कब किया था? ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि जब चाहो तब हो जाए। तो मैंने सोचा कि शायद कोई मतलब मल्टीविटामिन समथिंग कुछ है ना होगा कि एक बार जाते हैं, तो मैं तो वैसे नॉर्मल चेकअप हाँ, के लिए ये तो ठीक है, पहले मल्टीविटामिन शुरू करना है, विटामिन डी लगवाना है दोनों ने, इसलिए गए थे तुम। अच्छा, जाके फंस गए हैं। अभी तो एज तुम्हारी 35। हस्बैंड स्मोकिंग तो नहीं करते? चाय पीते हैं 3 टाइम और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ। अमृतसर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाना, कभी जाना पड़ जाए तो। ठीक है मैम। प्राइवेट तो जाना ही नहीं चाहिए। ओके मैम। जहाँ लाइन लग के तुमसे डॉक्टर बात ना करे वही जगह सही होती है, वहाँ अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं होता फिर, और जितना नेसेसरी है वहाँ भी हो जाता है। हस्बैंड का वेट कितना? 90-100 के करीब होगा। उनको शुगर निकलेगी अगर, और एक बार में तो खैर किसी के भी नहीं होता कि आपने ट्राई किया, वो आए थे जी छुट्टी लेके एक महीने की और हो जाए, ये तो होता ही नहीं है कभी। ठीक है, उनका शुगर 3 महीने का कराओ, हाइट भी अच्छी है तो ठीक ही होंगे ना। देखा अभी बैठे नहीं, अभी कब आएंगे? नहीं मैम, अभी यहाँ पे ना, अगस्त तक यहाँ पे बैठे हैं। साथ में बुलाओ, बात कराओ। नहीं मैम, साथ में नहीं है, वो कहीं गया है काम से। तो जब मुझे दिखा, मेरे से बात करते हो पूरा घर बैठा करो, क्योंकि एक को समझा दूंगी, अब तुम दूसरे को समझाओगे ना वो बात नहीं आएगी। मैम नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। हाँ नहीं नहीं, अभी भी जब आ जाएंगे ना, जब वो आ जाएंगे तब बात करा देना। ठीक है मैम। स्मोकिंग करते हो ना, घर में बताया हो, ये भी तो होता है ना, मैं देख के चेहरे से बता देती हूँ, फिर मैं जिद करती हूँ, हो ही नहीं सकता, तो फिर वो बता भी देते हैं। अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो बेबी करना ही नहीं। नहीं मैम, करते नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, सरदारों में तो करते भी नहीं। ठीक है चलो, तुम्हारी बात ना ऑनलाइन भी सुन रहे हैं कि ऐसे ना जाना ही नहीं है, और कभी भी ऐसे नहीं होता, अभी भी ये नहीं मुझे दिखा दिया तो जादू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के हर महीने 15% चांस होते हैं। 15% का मतलब ये होता है कि हो जाए पहले महीने में, हो जाए ना हो 6 महीने ना हो। जैसे लूडो खेलते हैं ना, 6 आ जाए पहली बार में, आ जाए नहीं चाहिए तब आ जाए, चाहिए तब आए ना, कुछ भी हो सकता है। पर इत्तेफाक से एक एग बने, स्पर्म चला जाए, और विटामिन डी की कमी में काम नहीं करते। हस्बैंड का शुगर होता है तो भी नहीं करते, और जैसे तुम्हारे पास आएंगे, तुम चाव से खाना खिलाओगी तो नहीं भी था तो अभी हो सकता है खाना उनका, और गर्मी जिम जाएँ कि मैं फ्री हूँ तो चलो जिम जाऊँ, तो बेटा उससे गर्मी से नहीं होता। मेरी सारी कम से कम 100 वीडियोस देखो तो सारी बात समझ आएगी। नहीं मैम, अब तो मैं जनवरी से सारी वीडियो देख रही हूँ मैम, मैंने हस्बैंड को विटामिन डी भी लगवा दिया है, मैंने खुद भी लिया है। तो आवाज़ तो तुम्हारी अभी भी कांप रही है मैम। वो तो ऐसा है ना, मैं हाउसवाइफ हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, पहली बार आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़ा तो नर्वस होती हूँ। अरे नहीं ऐसे, ये तो कोई बात नहीं, पहली बार बात कर रहे हो, वीडियो देख के ही रिलैक्स हो जाते हैं। लोगों ने वीडियो देख के अपने आप ही प्रेगनेंसी कर ली, डिलीवरी में, बीच में कहीं, जब उनका लो प्लेसेंटा आया 3 मंथ्स पे जाके हमें कॉल किया, ऐसे भी बहुत लोग हैं। मैम मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, मेरी रिपोर्ट देखा ना, मैंने तो सोचा मेरे को तो कोई बीमारी भी नहीं, कभी कोई पेन भी नहीं हुआ, मेरे मेंसेस भी रेगुलर आ रहे हैं, मेरे को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैम जब से ये सुना तो फिर मेरे को ऐसे लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ भी ना हो तो अंदर कुछ नहीं। चलो दोबारा कराते हैं, दोबारा कराते हैं, और जब भी ट्यूब टेस्ट कराना हो एंटीबायोटिक पहले शुरू करनी है। ट्यूब टेस्ट कराने में कीटाणु और अंदर चले जाते हैं, मैंने आपको ये लिखी है, ये पहले खा के 16 तारीख से खा के फिर 18 तारीख को कराना है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद खानी है ये दवाई। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करानी होती है, अब तो तुमने एक बार कराई ली, कीटाणु कोई जाने होंगे तो चले गए, अब तो एंटीबायोटिक खा लेना, दोबारा करा लो।
ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं अच्छे से नहीं हुआ। नहीं मैम ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ। ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ? अच्छा एमआरआई करवा। तो ये एंटीबायोटिक पहले खा के फिर तो ट्यूब टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी फिर नहीं करानी, फिर तो अल्ट्रासाउंड ही कराना मेरी पर्ची पे। ठीक है मुझे लगा ये ट्यूब टेस्ट की रिपोर्ट है, आपने इसे लिखा ना। हाँ ठीक है फिर कुछ नहीं कराना, ट्यूब क्यों करानी, हम क्यों डाउट करें, हमारी ट्यूब ब्लॉक है ना। आप कैपगोलिन खाओ, आज आपको मेंसेस आए, अभी इसी महीने हो जाएगी, हस्बैंड आ गए बस, और बस उनको बेहिसाब खिलाना पिलाना नहीं, नॉर्मल खाना खिलाना, सैलड ज़्यादा सब्जी ज़्यादा, घी मक्खन नहीं, उनकी मम्मी बना के खिलाएंगी बेहिसाब। तो उससे ना लोगों को शुगर हो रही है माँ के हाथ का खाना खा के। ठीक है और उनका 3 महीने का शुगर और थायराइड टेस्ट कराओ, और सब कुछ कराने के बाद भी ये नहीं है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी एकदम से, कभी भी होगी 2-4-6 महीने में, ये दिमाग में जल्दी मत लाओ कि इन्होंने चले जाना है। दुबई कौन सा दूर है, तुम भी साथ चले जाना। हाँ और तुम्हारा वेट तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है देखने से। हाँ 68 है, अपना 2-4 किलो वेट कम करो, 60 पे लेके आओ। नहीं अच्छा 5-6 हाइट है तो ठीक है, 64 ले आओ बस। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बस 3-4 किलो और कम कर लो, ठीक है। तो तुमने अल्ट्रासाउंड क्यों कराया, डॉक्टर ने बोला इसलिए। अल्ट्रासाउंड ही दोबारा करा के देखो मेरी पर्ची पे, वो ये सिस्ट हो जाती है और वो ठीक भी हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है इस टाइम। सिस्ट कोई भी 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल बात है, थोड़े बहुत एक्साइटमेंट से भी हो जाती है, मतलब अगर ज़्यादा खुशी की एक्साइटमेंट हो तो भी सिस्ट बन जाती है। हाँ अब तुम ये मत डालना कि वो अगस्त में चले जाएंगे, वो भी अगस्त तक हो जाए तो अभी हो जाए, 12 तारीख को मैंसेज आए, अभी 22 से तुम्हारे फर्टाइल डे शुरू हो गए। ठीक है और मैम ने मेरे को जिनके पास मैं गई थी उन्होंने बोला आपका एक्ने फटता। अरे उनकी बातें छोड़ो छोड़ो, दिमाग से निकालो, रिपीट भी